मॉर्निंग दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये जो ग्लास आप देख रहे हैं, दिस इज ए जूस ऑफ नेचर नर्स। ये नेचर नर्स क्या है? नेचर नर्स एक कंसेंट्रेटेड एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है जिसमें 31 हर्ब्स एंड सुपरफूड्स, सुपरफूड्स मतलब गिलॉय, शिवकथॉर्न, बेरीज, कुछ इंडियंस, कुछ फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्टेड किया गया बेरीज के एक्सट्रैक्ट को एक साथ यहां पर मिक्स करके वेरियस इंग्रेडिएंट्स को लेके ये जूस बनाया गया है। देखिए, दिस इज द बॉटल ऑफ नेचर नर्स। आप देख रहे हैं कि आप फैबुलस बेरीज का फोटोज लगा हुआ है। इसमें आपका सारे कंटेंट्स क्या क्या है सब कुछ दिया हुआ है, क्या क्या बेनिफिशियल्स है सब कुछ दिया हुआ है। दिस इज बेनिफिशियल्स फॉर एंटी एजिंग, बेनिफिशियल्स फॉर इम्यून बूस्टर। ओके, ये जो जूस है, इस जूस में आपको हम डिजीज को क्योर नहीं करने बोलेंगे। आप जो भी आपका शारीरिक प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, आप कोई ना कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर के संग कंसल्टेशन में है, आप उनके दिए हुए एलोपैथी लंबे समय तक पी रहे हैं। मैं एक चीज आपको बताऊंगा, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। साथ में सुबह उठ के एम्प्टी स्टोमैक में ये जूस सेवन करके बात देखिए। मेरा एज है 48 इयर्स। ये 48 साल उम्र में जनरली आप लोग जानते हो इंसान के बहुत सारा फिजिकल प्रॉब्लम्स आती है। मेरा कंटिन्यूअस फिजिकल प्रॉब्लम जो था वो है यूरिक एसिड का। अब यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आप कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के जाओ, वो बोलेगा आप भिंडी मत खाइए, आप टमाटो मत खाइए, ऐसा लिस्ट थमाएगा आपको, जब कुछ खा ही नहीं पाओगे। रेड मीट मत खाइए, एग्स मत लीजिए। मेरा ये जो जूस आप देख रहे हो, ये जूस में रेगुलर सुबह उठ के एम्प्टी स्टोमैक में लेता हूं। मेरा रिजल्ट क्या है? पहले मैं जब सुबह बेड छोड़ता था उस समय मुझे उसमें दिक्कत होती थी पैर जमीन पे रखने का। मेरा जो एरी है, जो एंकल्स है, उस एंकल्स में दर्द, फुट के नीचे पोर्शंस में दर्द, ये सब होता था, बहुत भयंकर दर्द होता था। ये जूस हमने लास्ट एक मई से दे रहा हूं। इसके रिजल्ट स्वरूप क्या हो रहा है, ये मोटा मोटी दो हफ्ता लेने के बाद ही मेरा ये फील आना चालू हुआ। मेरा सुबह जो यूरिन में जो फोम फोम होता था, वो यूरिन का फोम फोम होना बंद हो गया। यूरिक एसिड्स का जो प्रॉब्लम होता था, जिसके कारण कप मसल्स का पेन, फुट का पेन, एंकल्स का पेन जो होता था, वो नहीं हो रहा है। तो ये जो जूस है, ये जूस आपको सिंपली आपका बॉडी में जाने के बाद ये आपको पेंक्रियास को रिएक्टिवेट कर रहा है। हम लोगों का पेंक्रियास जो है डे बाय डे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स के कारण हमारा पेंक्रियास जो है, हर इंसान का वो पेंक्रियास धीरे 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 डीएक्टिवेट हो जाता है। ये जूस नथिंग इज डूइंग, ये जूस आपको बॉडी में जाके आपका पेंक्रियास को रिएक्टिवेट कर रहा है। पेंक्रियास रिएक्टिवेट होने से क्या होता है, शरीर में वेरियस जो प्रॉब्लम्स होती है, वो सारे प्रॉब्लम्स के कारण जड़ है, रूट है, दैट इज इंसुलिन का सिक्रेशन ना होना। पेंक्रियास रिएक्टिवेट होने से क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन प्रॉपर होती है और आपका बॉडी नॉर्मल स्टेज में फिर से आना चालू होता है। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, जरूर आपके नजदीकी एड वर्ल्ड के जो
या एंड्रॉइड को वेबसाइट्स में जाइए, ecommerce.apkaapnadukaan.com में, जहाँ पर आपका जूस दिखेगा, जरूर ये जूस आप लीजिए। ये जूस लेने से आपको क्या होगा, आपका क्या बेनिफिट आएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप भी आगे जाके इसको बताइएगा। चलिए, सब स्वस्थ रहिए, स्वस्थ पीजिए, ड्रिंक हेल्दी, बी हेल्दी, टेक केयर, नमस्कार। बोलो वंदे मातरम, आत्मनिर्भर हम।